हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का एक नया डिज़ाइन। देखिए, ये मैंने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार की है। आइए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चोली तैयार कर ली है और आइए घेरा शुरू करते हैं। देखिए, धागा अटैच कर लिया हमने। अब हम लूप को लंबा करेंगे और उसी जगह से 1 2 3 3 बार धागा निकाल कर हम एक पफ बनाएंगे और इन सभी धागों को एक साथ निकाल कर एक और ये दो चेन बना लेंगे। अब हम उसी जगह पर फिर से 1 2 3 3 बार धागा निकाल कर एक पफ और तैयार करेंगे और दोनों लूप्स को एक साथ उतार दिया हमने। देखिए, हमने एक ही जगह पर 2 पफ बनाकर 1 कली तैयार की है। देखिए, ये हमारी वूल 3 प्लाई की है। आप चाहें तो इससे भी मोटा पफ बना सकते हैं, 4 या 5 राउंड बनाकर। तो अब इसके आगे 2 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के उससे आगे वाले पे हम एक पफ और बनाएंगे। देखिए, इन सभी फंदों को एक साथ उतार देंगे और फिर इसके आगे हम 1 2 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर एक और पफ बना लेंगे। देखिए, अब हम 2 चेन लेकर 1 चेन छोड़ के उससे आगे में फिर से हम एक पफ बनाएंगे 3 बार धागा निकालते हुए। ये हमने एक पफ बनाया, 2 चेन ली, उसी जगह पर हम रिपीट करेंगे और इसी तरह से फर्स्ट राउंड पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घेरे का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया और ये मेरे पास 18 डबल क्रोशिया थे चोली के एंड में, तो हमारे पास 9 कलियां बनी हैं। देखिए, बीच में 2 चेन हैं और हमने फर्स्ट पफ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम स्लिप स्टिच बनाते हुए कली के सेंटर में आ गए और फिर से हम एक पफ बनाएंगे कली के बीच में और 2 चेन लेकर कली के अंदर दोबारा एक और पफ बनाएंगे। देखिए, ये हमने कली के अंदर फिर से 1 कली बना दी। अब इन दोनों लूप्स को एक साथ उतार देंगे और 1 2 2 चेन लेंगे। इन दोनों कलियों के सेंटर में ये जो जगह है वहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे। कलियों के बीच में हम एक सिंगल पफ बनाएंगे, 2 चेन लेकर आगे वाली कली में फिर से हम 1 कली बनाएंगे। जैसे ये 2 कलियां हैं, ऐसे इसके सेंटर में हम एक ही प्लेस पर 2 पफ बनाएंगे, तो कली के ऊपर हम 1 कली और तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 2 पफ बना दिए, जैसे इस साइड बनाए थे ऐसे उधर भी बना दिए। 2 चेन लेंगे और यहाँ पर दोनों कलियों के सेंटर में जो जगह है यहाँ पर हम एक सिंगल पफ बनाएंगे, 2 चेन लेकर फिर आगे बनाएंगे। तो इसी तरह से कलियों पे कलियाँ बनाते जाएंगे और सेंटर में हमारा सिंगल पफ बनेगा। देखिए, इसी तरह से राउंड पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया और हमने राउंड को ज्वाइन कर दिया। स्लिप स्टिच बना के कली के सेंटर में आ जाएंगे और फिर स्टिच को लंबा करेंगे, हम एक पफ बनाएंगे। देखिए, 2 चेन लेकर फिर से एक पफ उसी जगह पर दोबारा बनाएंगे। तो जैसे कि नीचे 1 कली बनाई थी पफ वाली हमने, ऐसे ही हमने
उसके ऊपर फिर बना दी। ये रो कलियों में की बनाएंगे हम। और देखिए अब हम दो चेन लेंगे और ये दोनों कलियों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल पफ बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए। और फिर से दो चेन लेंगे, दूसरी साइड भी हम एक सिंगल पफ बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब दो चेन लेंगे और नेक्स्ट कली में हम एक कली बनाएंगे पफ की, एक पफ, बीच में दो चेन और फिर से एक पफ बनाएंगे, देखिए इस तरह से दिखेगा। ये कलियों की लाइन जा रही है और बीच में हमने नीचे एक पफ बनाया था, ऊपर दो हो गए। और ऐसे इधर भी बना के राउंड पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पर हम पफ सिंगल सिंगल बनाएंगे और कलियों के ऊपर कलियाँ बनाएंगे। जैसे हमने ये थर्ड रो बताई है आपको, ऐसे ही फोर्थ रो भी बनेगी ऊपर। उसमें जैसे ये तीन गैप हैं, इन तीनों में एक एक सिंगल पफ बनेगा। तो हम थर्ड राउंड और ये फोर्थ राउंड पूरा कर लेंगे और आपको ये दोनों राउंड पूरे करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार राउंड हो गए पूरे ग्रीन कलर के, एक दो तीन चार। देखिए अब हमने दो चेन ले ली और इसको पफ के ऊपर ज्वाइन कर देंगे राउंड को और नॉट लगाकर वूल कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कलियों के ऊपर कलियां आ गई और बीच में ये सिंगल सिंगल पफ आ गए। देखिए ऊपर फोर्थ राउंड में चार पफ आए हैं। इसी तरह से देखिए कलियों के बीच में हमने सिंगल सिंगल पफ बनाकर घेरा तैयार किया है। अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हो तो घेरे के दो राउंड और बनाकर घेरा बड़ा कर सकते हो। तो अब हम डिज़ाइन और कलर चेंज करेंगे। देखिए ये जो हमने कलियां बनाई हैं उसके सेंटर में किसी भी कली में हम धागा ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने धागा ज्वाइन कर लिया सेंटर में। अब देखिए ये हमने तीन चेन ले ली, ये तीन की चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। ये हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया तो टोटल हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। तो फ्रेंड्स हमने कली के सेंटर में नाइन डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए हम एक दो तीन चेन लेंगे और देखिए ये जो फर्स्ट गैप है इसमें नहीं बनाएंगे, उससे उसे छोड़ देंगे, इसके आगे वाले में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, उससे आगे वाले में हम फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये जो गैप है इसमें नहीं बनाया हमने, इसको छोड़ दिया है। एक दो तीन चेन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट गैप जो कली के पास है, जैसे इधर कली के पास गैप छोड़ा था ऐसे इधर भी छोड़ देंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक कली के सेंटर में, दो। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इधर नाइन बनाए हैं ना, इधर भी नाइन बना लेंगे। देखिए हमने इधर भी नाइन डबल क्रोशिया बना लिए, तीन चेन लेंगे, ये छोड़ देंगे और आगे वाले में ज्वाइन कर देंगे। फिर से थ्री चेन लेंगे और उससे नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। फिर से थ्री चेन लेकर हम कली के सेंटर में बनाएंगे, नौ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे
जैसे कि आपको यहाँ पर दो बार बताया है, ऐसे भी इधर ही भी बनाकर हम कलियों के सेंटर में बनाते जाएंगे और दोनों साइड एक एक छोड़ते जाएंगे, ऐसे ही जैसे पहले छोड़ा था। तो इसी तरह से हम इस पूरे सर्कल में ये डिज़ाइन रिपीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर का राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड चेन में इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक दो तीन चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन और बनाएंगे, ये हमारी सेंटर की चेन हो गई। अब हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से वन चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। उससे आगे वाली डबल क्रोशिया पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। बीच में एक चेन लेते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए अब लास्ट वाले के ऊपर भी हम बना लेंगे। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। देखिए 9 के ऊपर हमने 9 टाइम्स बना लिया। 3 चेन लेकर अब ये जो सेंटर में है इसमें यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इसको। फिर से 3 चेन लेंगे और ये देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, चेन, डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपको यहाँ बताया था ऐसे ही एक एक चेन, एक एक डबल क्रोशिया, 9 के ऊपर 9 बार हम बना लेंगे। फिर सेंटर में जैसे यहाँ ज्वाइन किया था तीन तीन चेन लेके, ऐसे यहाँ सेंटर में ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हम सब पे बनाकर पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने राउंड पूरा करके सेकंड राउंड को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये जो गैप है दो डबल क्रोशिया के, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाकर आ जाएंगे। और देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में आके इस तरह से थोड़ा लूप को लंबा करके एक, देखिए इस तरह से एक और ये दो, दो हम छोटे से दो बार बल लेके हम एक छोटा सा पफ तैयार करेंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से दो बार क्रोशिया हुक पे बल लेकर हम एक छोटा सा पफ तैयार करेंगे। दोनों लूप्स को एक साथ उतार देंगे, एक चेन लेंगे, उससे नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे, सबको एक साथ उतार देंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप के अंदर हम दो बार बल लेते हुए इस तरह से, देखिए ये छोटा सा पफ तैयार करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर हम इसी तरह से एक छोटा सा पफ बनाएंगे। ये जो पफ बनाने हैं हमने छोटे बनाने हैं, बस दो बार बल लेकर छोटी हाइट के बनाने हैं हमें। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट में बनाएंगे। बीच में हम एक एक चेन लेते जाएंगे। ये जो लास्ट गैप है इसके अंदर भी हम बना लेंगे और वन चेन ले लेंगे। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। वन चेन लेने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर जहाँ पहले ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया से, वहीं पे हम फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर हम वन चेन लेकर ये जो दो डबल क्रोशिया है इनके सेंटर में एक बार बल लेंगे, दो बार बल लेंगे, एक छोटा सा पफ बनाएंगे और फिर वन चेन लेकर अगले वाले गैप में हम फिर से एक पफ बनाएंगे। वन चेन ले ली और फिर से हमने देखिए बना दिया वन चेन लेकर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इधर बनाए थे ऐसे ही सभी इधर यहाँ भी बनाने हैं। और सेंटर में हमें इसको बीच में एक एक चेन साइडों में बना के ज्वाइन करना है, ऐसे ही हम इधर भी ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये राउंड इसी तरह से पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
रेड कलर का थर्ड राउंड पूरा हो गया। देखिए हमने वन चेन ले ली और पफ के ऊपर इसको हम ज्वाइन कर देंगे पफ के सेंटर में। देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे और नॉट लगाकर वूल को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम कलर और डिज़ाइन चेंज करेंगे। देखिए ये जो पफ बनाए हैं यहाँ पर इसके शुरू में पैटर्न के शुरू में पफ में ऊपर हम ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए थ्री चेन लेंगे और देखिए ग्रीन कलर से थ्री चेन ली और उन थ्री चेन्स को उसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे ज्वाइन कर देंगे। एक ही जगह पर दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर एक दो तीन तीन चेन लेंगे और फिर से उसी जगह पर दोबारा सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए अब आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया तीन चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया एक दो तीन चेन और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए हमने थ्री चेन ली और वहीं पर एक फिर से उसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम लास्ट गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया तीन चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से दिखेगा। अब हम ये बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर पहले हम ज्वाइन कर रहे थे उसी के ऊपर स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरह से वन चेन लेकर नेक्स्ट पैटर्न के फर्स्ट गैप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तीन चेन लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया तीन चेन फिर से वहीं उसी जगह पे सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है इसी तरह से हम रिपीट करेंगे और सेंटर में इसको यहाँ पर एक एक चेन बनाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये इसी तरह से सभी पैटर्न्स के ऊपर हम बॉर्डर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ग्रीन कलर का बॉर्डर हमने तैयार कर लिया है। तो ये ड्रेस का लास्ट राउंड था। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।